morning. Hello guys. Welcome to my new vlog. तो भाई कल की जो गाड़ियां थी वो कंपनी के अंदर पहुंच गई है और हम जा रहे हैं उनको लोड करवाने के लिए और हम भी कंपनी की तरफ जा ही रहे हैं, रस्ते में हैं अभी। आज उन गाड़ियों को दोनों को लोड करवा के निकाल देंगे, मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। देन आई विल बी ट्रैवलिंग बैक टू मुंबई एंड होपफुली आज शाम को मैं निकल जाऊंगा या तो फिर कल। लॉग बुक तुम्हारे पास ही रखो लेकिन वो पेपर निकाल के उनको दो ताकि वो बिल बनावे। एक दिन का है तो एक दिन का तो बिल बनाए। हाँ एक दिन का बिल बनाए। और हेमंत कहाँ है? चल ठीक है, पहले ये तुम ये काम करो, पहले बिलिंग का काम चालू है, नहीं तो टाइम निकल जाएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। लाइन एकदम जो सेठ लोग है ना जोते ना उनको पकड़ने का काम इसका है अभी। बड़े लेवल पे काम हो गया अभी इसका, है कि नहीं? ये देखो भाई, एक टंकी ये वाली रेडी हो गई है और इसका अभी कवरिंग चल रहा है। ये होने के बाद गाड़ी लोड हो जाएगा। ये जो कल जो गाड़ी मिली थी वो एक गाड़ी अंदर खड़ी है और एक गाड़ी बाहर खड़ी है यहाँ पे, और इसको अभी पैकिंग होने के बाद लोड करेंगे। और ये हमारे विकास भाई, तो देखो ऐसे बनती हैं टंकियाँ। ये फाइनल दो टैंक बचे हैं जो उड़ीसा जाएंगे और इन दोनों टैंक्स के लिए ऑलरेडी व्हीकल प्लेसमेंट कर दिया है फॉर थर्सडे, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं रहूँगा यहाँ पे, विकास अकेला रहेगा, गाड़ियाँ लोड वगैरह करवा के निकाल देगा अपने आप ही। ये देखो बाहर पार्किंग में खड़ी है हमारी दूसरी गाड़ी, पहले जो गाड़ी अंदर है उसको लोड करेंगे एंड सेकेंडली फिर इसको लोड करेंगे। ये जो कार्गो है ये जा रहा है जिंदल हाइड्रोकार्बन अंगुल उड़ीसा में, एंड वहाँ पे उनके पास कुछ लिक्विड जो ब्लास्टिंग वगैरह करते हैं उसका लिक्विड जो होता है वो स्टोर करके रखने के लिए। जिंदल हमारा डायरेक्टली क्लाइंट नहीं है, हमारे क्लाइंट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो हम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से कार्गो लेते हैं एंड सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन हम प्रोवाइड करते हैं, बाकी हमारा कोई काम नहीं है। इनका एक ट्रांजिट टाइम होता है, जैसे 10 दिन में पहुंचाना है 15 दिन में पहुंचाना है, तो उतने टाइम में हमारा जिम्मेवारी है कि हम गाड़ियां टाइम से पहुंचाएं और उनकी गाड़ियां टाइम से खाली हो के जो टैंक्स है वो टाइम से इंस्टॉलेशन हो जाए ताकि जो आगे का प्रोसेस है वो कर सकें। तो ये एक साइकिल है जो एक हर बंदा इसमें जुड़ा हुआ है एक चेन की तरह, और जैसे ऐसे सारे अगर अपना अपना काम सही से करेंगे तो जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा। सिर्फ टैंक्स का काम नहीं करते हैं हम लोग, मेरे बाकी वीडियोस आप देखोगे तो मैं काफ़ी सारे और भी काम करता हूँ। अभी हमने टाटा स्टील का भी काम किया है, कलिंगानगर उड़ीसा में कंपनी है वहाँ का काम किया है, ओवर डायमेंशन का ही था वो भी। एंड वो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। पैकिंग वगैरह चल रही है कंपनी में और उसको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा लगेगा, तो हमने डिसाइड किया है कि हम बाहर जाके कुछ चाय नाश्ता, ठीक है, तो जब लोडिंग स्टार्ट होगा तब हम दोबारा चले जाएंगे। तुम लोग साथ में नहीं रहते क्या, जोड़ी में नहीं हो क्या? जोड़ी में काम अलग अलग करता है ना, तो एक मालिक का नहीं है क्या दोनों? एक मालिक का तो है तो इधर उधर चल रहा है, ज्यादा करके कंपनियों का ही काम करते होंगे यही लोडिंग अनलोडिंग। दूसरे हाइड्रा का वेट चल रहा है, दूसरा हाइड्रा भी आ गया है, ये पहला वाला खड़ा है। इस टैंक को ऐसे घुमा के रख रहे हैं, पेडल को चेक किया जा रहा है। गाड़ी लोड हो गई है पहली वाली, अब इसको रिलीज़ करेंगे, बाहर ले जाके इसको खड़ा कर देंगे, अब दूसरी वाली गाड़ी का बारी है, दूसरा वाला गाड़ी लोड करेंगे। आपकी अच्छी अच्छी वीडियो लेने के लिए भाई साहब चढ़ गए हैं ऊपर। अभी लेट नहीं हो रहा है? पहला गाड़ी लोड हो गया है और ये देखो यहाँ पे सेकंड व्हीकल भी है अभी कंपनी के।
के अंदर ले लिया है एंड अभी सेकंड व्हीकल को लोड करेंगे। अब जो पहला गाड़ी है वो देखो यहाँ पे लोड होके खड़ा है, सेकंड व्हीकल है, इसको लोड करेंगे। इन दोनों गाड़ियों को लोड होने के बाद हम निकल जाएंगे। इस गाड़ी को अभी बाहर निकाल रहे हैं ताकि इसके लिए जो दूसरी गाड़ी आई है उसके लिए जगह बन सके लोडिंग के लिए। देखो भाई दूसरी गाड़ी भी लोड हो गई है और ये पहली वाली गाड़ी खड़ी है यहाँ पे।